देखो, माँ जो हुई करे को अपने बालकन से बहुत प्यार करे, पर अगर वह माँ की तुमने बुद्धि खराब कर दी ना, तो तुम्हें तीनों लोगों में तो कोई ना बचा सके। तो देखो, माँ जो हुई करे वो शहर वाले की भी हो, गांव के इनकी भी हो, पर थोड़ा सा अंतर है। शहर वाले इनकी मम्मी हो, अपना हो, ये किटी पार्टी करने वाली, ओ बैगन ने उठा उठा के अपने, मतलब वो ऐसी हो, उन पर अपनी शॉपिंग बैग तो उठे ना, तो बालकन ने तो कहा ही मारेंगी उतने। ये एंजॉय बेब्स, ये एंजॉय बेब्स, तो उनको तो ऐसा रे। हमारी जो गांव की मम्मी हो, वो जो गोबर की परात उठा के फेंक सकें, ज्वार की गड्डिया भी उठा के फेंक सकें, और गाड़ेन की गड़ेलिया भी उठा के फेंक सकें, तो सोचो ज्यादा ना हमें उठा के फेंकने को नंबर आ गो, तो कई बार उठा के मारेंगी। मम्मी जो हो गया है वो कभी खुद ना मारे करे, कभी ना पीटे करे, पर पिटवाने को कारण हमेशा मम्मी हो गए, हमेशा छिटवाने को कारण मम्मी मिलेंगी। और उनके जो पिटवाने के हो गए कोड वर्ड, अगर पहला कोड वर्ड जो हो गया है वो हो गया देखियो जी। अगर मम्मी ने तन्नक जो कह दी देखियो जी, इतने तो भैड़ देसी रहे तो पड़ जा बाप को भड़ाक, दूर भी बैठे होंगे चप्पल पड़ जाएगी देखियो जी पे एक बार तो। और सुनो, कभी कभी तो अगर देखियो जी को कुछ और भी मतलब होगा ना, तो भी रेपटो पड़ जाएगा। मैं बराबर में बैठो एक बार, मम्मी का ही और चीज के नहीं कह रही देखियो जी, इतने तो मेरा भैड़ देसी धर दियो। ए मेरे पापा यार का ही और चीज को कह रही भैड़ देसी, मेरा एक और मारो देख के ना सके, तो तू कहा कह रही ये है। दूसरा कोड वर्ड हो गए आज तेरा बाप आ जा अंदर सांझ को, ये सेंटेंस बहुत खतरनाक है। अगर ये सेंटेंस मम्मी ने बोल दियो ना, आत्मा त्राहिमाम करने लगे लगे, मतलब जो मान लो कि आज सांझ को तुम सही सलामत सो जाओ आज रात को, तो बहुत बड़ी बात मानियो। एक बार भैया हुआ कैसा, हम जिद पर चढ़ गए, हम पर घेर रहो शनिचर, हम जिद पर चढ़ गए और सब करें बालक जितने भी हों जिद करें। हमने कही मम्मी जलेबी चाहिए आज, मम्मी काम कर रहे हैं कि हाँ ठीक है सांझ को, मैं ना आज अभी यही टाइम जलेबी चाहिए। मम्मी कह रही मान जा मान जा, मेरी ना जलेबी चाहिए आज अभी यही टाइम चाहिए, वो जलेबी चाहिए। मैंने भैया खून खा के गेर दिए, और मम्मी को है वो दिमाग खराब, और झट मम्मी ने वो सेंटेंस बोल दियो आज तेरे बाप आ जाए सांझ को। भाई साहब आकाशवाणी है गई, आकाशवाणी में तो स्वयं शंकर भगवान आए गए, जो कह रहे कि आज बेटा जलेबी खावो तू, आज झिक जाएगा जलेबी ते। ठीक है, बापू आए हमारे। एक तो देखो यार, गांव में बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अस्त्र शस्त्र बहुत है, कमी ना। एक बार वो शहर में जाओगे तो ढूंढने पड़ेंगे कहाँ ना। हमारे तो जैसे ही पापा आए, पापा आते ही मम्मी ने खून खा के गेर दिए, या कम्मा खतने जलेबी चाहिए आज, या जलेबी खवा दो बापू। टाइम थोड़ी लगे, इतनी देर में तो बुग्गी में तो लिकार लियो तंग। अब देखो, जिन्हें बुग्गी के तंग की पतो ना है, बहुत लकी हो तुम, पतो भी मत करियो कभी। ये कैसा वस्त्र, खैर छोड़ो, तुम जानो ही मत ये है कहा, बस न्यो समझ लो कि डंडा तो यहाँ पड़े तो यहीं दर्द हो, गो 360 घूम जा, अगर यहाँ मार दियो ना तो यहाँ पूरे गले घेर ले वो। तो बापू ने लिगाड़ के तंग, और हमें जो जलेबी खवाई है जो बढ़िया तरीका से खवाई है। तो देखो, वादिन जो हमें समझ में आई कि एग्जैक्टली हुआ का हो, हमें जलेबी न खानी है, हम पे घेर रहो शनिचर। और हाँ, उन जलेबी ने खा के हमें शांति भी पड़ गई, वो जेवड़ाते जो जलेबी मिली गई ठीक शांति पड़ गई। अब भैया होवे कहा कि ठीक ठाक, जब ठोकाई हो गई खा पी के पेट भर गो तो अपनो सो गए हम। सवेरे को उठे तो देखा माँ जो हो करे ना, शहर की हो चाहे गाँव की हो, प्यार बड़ो करे। सवेरे गाजर को हलवा बना के लाई, मैं कह खड़ो हो ले खा ले, हम अपनी टोर में, हमें का खाना हुआ टाइम पर गाजर का हलवा, पर हाँ जीव रार फेंक रही गाजर के हलवा पे ऊपर गए, हम अपनी टोर में हैं। मैं कह लगो मैं ना खा रहा हूँ, कल तो पिटवा दियो, अब गाजर का हलवा बना के लाइयो, ये खा ले भैया, मैं ना खा रहा हूँ, हम अपनी एड़ में ही वह टाइम पे, मैं ना खा रहा हूँ ये। मम्मी फुले इम्प्रेस करने में, हम अपनी एड़ में न खा ले भैया, मैं ना खा रहा हूँ। मम्मी ने कही रात भर तेन खोबा फूको या खा ले, मैंने कि मैं ना खा रहा हूँ मत खावे, आंध है तेरे बाप। मेरी मम्मी, मैं मम्मी रुक जा, मैं मम्मी खा रहा हूँ। गाबरू जवान मम्मी रखा पूरा ध्यान, कदे ठोक लाग जा, रही पे नया नया खून, कदे चढ़ जा जुनून, कोई शौक लाग जा, कोई शौक।